दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद के इसकी शुरुआत होती है साल 1936 में, जब दीन मोहम्मद नाम का एक आदमी वाराणसी कोर्ट में पेटिशन फाइल कर ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगता है। इसके जवाब में वाराणसी कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद के हिस्ट्री को एविडेंस मानते हुए दीन मोहम्मद को ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में नमाज पढ़ने से रोक देती है। दोस्तों, अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इतिहास में ऐसा क्या हुआ था जिसे वाराणसी कोर्ट को एविडेंस मानना पड़ा। दरअसल 1936 में डिफेंस के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट में 15 एविडेंस पेश किए थे। उसमें से एक एविडेंस थे बनारस के प्रोफेसर और हिस्टोरियन परमात्मा सरन, जिन्होंने औरंगजेब के समय लिखी हुई एक किताब माँ आसिर आलमगिरी का जिक्र किया। उसमें से एक पैराग्राफ ऐसा था जिसका उन्होंने ट्रांसलेट किया और कोर्ट को बताया कि 16वीं सदी में ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर था। दूसरा एविडेंस था जातक कथा नाम की किताब, जिसमें ये बताया गया है कि 7वीं सदी में ह्यूंग तसांग नाम का एक चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आया और वो घूमते घूमते काशी विश्वनाथ मंदिर आ पहुंचा। वहां घूमते हुए उसने काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास के जगहों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें कि ज्ञानवापी मस्जिद का उसने किसी भी जगह कोई जिक्र नहीं किया। 1937 में एक बार फिर से दीन मोहम्मद ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगने अलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। यहां भी अलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराते हुए दीन मोहम्मद को ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में नमाज पढ़ने से रोक दिया। दोस्तों, साल 1991 में ज्ञानवापी मामले ने एक बार फिर से जोर पकड़ा। अब की बार वाराणसी के पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में पिटीशन फाइल कर ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी। पिटीशन में कहा गया कि 16वीं शताब्दी में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के हिस्से को तुड़वा कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था और इसी वजह से ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में आज भी हिंदू देव देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। लेकिन साल 1998 में जब ये मामला अलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा, तब अलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में चल रहे सुनवाई को सेक्शन 4 ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत लंबे समय के लिए होल्ड पर रख दिया। दोस्तों, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब है कि 1947 के बाद जितने भी मंदिर या मस्जिद बनाए गए तो मंदिर की जगह पर मस्जिद नहीं बनाए जा सकते और मस्जिद की जगह पर मंदिर नहीं बनाए जा सकते। दोस्तों, अब जानते हैं कि ज्ञानवापी केस में अब तक का रिजल्ट क्या रहा है। दोस्तों, 2019 में वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद के स्ट्रक्चर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने के ऑर्डर को पास कर दिया, लेकिन बाद में इस ऑर्डर को अलाहाबाद हाई कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत रद्द कर दिया गया। इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी करवाई, जिसमें कि वजूखाने में शिवलिंग जैसे स्ट्रक्चर होने की बात सामने आई है। अब हिंदू पक्ष शिवलिंग जैसे स्ट्रक्चर की कार्बन डेटिंग कराने की मांग उठा रहा है, जिसे वाराणसी कोर्ट में नकार दिया गया है। इसी वजह से हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। दोस्तों, आपको ज्ञानवापी केस पर यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।